तो देखिए हमारा जो तथ्य ये है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में भी बनने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु है ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये मान के चलिए। यानी कि एक भाषा में ऐसा जान सकते हैं कि हम मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ रहे हैं और पढ़ लिया हमने, और यदि ये नहीं पढ़ा तो हमने बहुत कुछ छोड़ दिया या समझ लेना है, ये है। यानी कि 3 स्टार लगा के इसे पक्का कर लें तो क्वेश्चन पूछा ही जाना है। ये बात अलग है कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाए, इसकी किन बातों से रुक सकता क्वेश्चन परीक्षा में, क्योंकि हम सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसके जो मेन फैक्ट है इनका सांकेतिक मुद्रा, सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि सारा कुछ समझने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सांकेतिक मुद्रा होती क्या है। यानी कि सांकेतिक मुद्रा की एक आसान भाषा में परिभाषा क्या हो सकती है, पहले सिर्फ सुनना है, उसके बाद में लिखाऊंगा, ठीक है। वह मुद्रा जिसका धात्विक मूल्य, वह मुद्रा जिसका धात्विक मूल्य यानी कि खुद का उसका धातु का मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है उसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। यानी कि मोस्टली सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन याद रखनी चाहिए, क्लियर। वह मुद्रा जिसका धात्विक मूल्य, यानी कि ऐसा समझिए उस धातु का मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है उसे सांकेतिक मुद्रा कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ये याद रखेंगे, बहुत ध्यान से सुन लें बिल्कुल एकदम फोकस के साथ, यदि थोड़ा सा भी मिस किया ना मैं बता रहा हूं बहुत कुछ मिस करने वाले हो परीक्षा में। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि पूरे भारत में सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाले पहले शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत बेहतर क्वेश्चन होगा जब कभी एग्जाम में बनेगा, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा जारी की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक। अब जरा ध्यान देना है कि जो अगर मुद्रा जारी की गई थी तो वो किसकी जारी की गई थी, किसी ना किसी धातु की होगी, तो याद रखना माइंड में बैठा लेना तांबे की मुद्रा जारी की गई। कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा जारी की गई सबसे पहले वो किसकी की गई थी, तो आपको याद रखना तांबे की गई थी, कई बार पूछ लिया जाएगा। लेकिन इसका कारण क्या था जारी करने का, इसका कारण ये था स्टूडेंट, पीछे का रीजन भी समझ लेना थोड़ा सा। अगर मैं दरोगा लेवल पर बात करूं तो ये दरोगा लेवल पर सवाल कभी भी उठ का आ सकता है, रीजन क्या था। साम्राज्य में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार इसका मुख्य कारण था, क्योंकि साम्राज्य में धन की कमी थी और साम्राज्य विस्तार करना वो चाहते थे, इसलिए उन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। हालांकि कल मैंने इससे पहले एक लेक्चर में एक पॉइंट्स और बेहतरीन बताया था, तो याद रखना कि जिल्ली इल्लाह की केवल उपाधि अगर धारण पूछी जाती है तो बलवन याद रखना, और जिल्ली इल्लाह यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि कि सिक्कों पर अगर किसी ने उपाधि धारण की थी तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन ये उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो याद रखना है। फिर क्या था कि स्टूडेंट की इन्होंने जब ये सिक्के चलाए सांकेतिक मुद्रा, तो ये कुछ ऐसी चीजें उन पर लिखानी भूल गए कि जो इसकी नकल ना हो पाती, यानी कि नकल नहीं हो पाती, कुछ ऐसी चीजें बनानी थी जैसे कि आजकल ट्रेंड में है भी, जैसे कि नए नए नोट आ रहे हैं इनमें कुछ विशेष चीज लगाई जा रही है, नए नकली नहीं बना सकते हैं एकदम से, कहीं ना कहीं पहचान पड़ जाएगी। तो वहां क्या था कि वहां ऐसी चीजें नहीं उनके दिमाग पर आई, तब जाके सांकेतिक मुद्रा स्टार्ट कर दी गई। फिर क्या होता है कि वहां लोगों ने इसकी नकल शुरू कर दी, बहुत ध्यान से सुनना है किसकी, सांकेतिक मुद्रा की नकल शुरू कर दी, और नकली धन के कारण ही वो लगान भी देने लगे। यानी कि नकली धन के कारण, नकली धन से ही वो क्या दिया उन्होंने लगान, अब चूंकि वो तो नकली था, समझ रहे हैं, तो इसलिए ये जो पूरी व्यवस्था थी जो इनके द्वारा लाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा वाली, एक प्रकार से फ्लॉप है। ये ही नहीं, जैसा कि आप आगे आगे पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो इन्होंने विभिन्न जितने भी काम किए राज्य को बढ़ाने के लिए किए, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनकी प्रत्येक नीति फ्लॉप रही। अब कैसे भी मान सकते हैं ज्यादातर नीतियां इनकी फ्लॉप रहे, और फ्लॉप रहने के कारण इतिहासकार जिनका नाम था एल्फिंस्टन ने इन्हें पागल बादशाह तक कह दिया। हालांकि ये पागल नहीं थे, लेकिन क्यों कहा, इनकी क्रूर नीतियों के कारण और असफल योजनाओं के कारण। कई बार बहुत तगड़ा क्वेश्चन, 3 पॉइंट ये हमेशा याद रखने जो परीक्षा में पूछे जाने ही से रिलेटेड,
पहला पागल बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने कहा था? एल्विंस्टन ने कहा था, जो कि इतिहास करते हैं। क्यों कहा था? यहां तक में, यानी कि हाई लेवल सवाल जी। तो इसलिए कहा था उनकी क्रूर नीति और असफल योजनाओं के कारण, यानी कि वो पागल नहीं थे। पागल तो अगर वास्तविक तौर पर देखें हम हिस्ट्री में, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी थे, जो नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ते थे, है ना। कई बार पूछा जाएगा कि वह बादशाह कौन से थे जो नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ते थे, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह थे। ये जो सांकेतिक मुद्रा चलाई इन्होंने, जिस पर हम बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो सांकेतिक मुद्रा चलाने वाले पहले शासक, या फिर सांकेतिक मुद्रा चलाने वाले, चलो पहले शासक तो मोहम्मद बिन तुगलक है, लेकिन किस वंश में चलाई गई? तो तुगलक वंश, ऐसा भी पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। और ये जो सांकेतिक मुद्रा चलाई, इसको इब्न बतूता, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया, इब्न बतूता ने इस सांकेतिक मुद्रा को दिनार कहा है। कई बार पूछा जा सकता बेहतर क्वेश्चन है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा को इब्न बतूता ने क्या कहा था? दिनार कहा था। ये वही इब्न बतूता हैं जो मोरक्को के निवासी थे, अफ्रीका से आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में आए थे, सन 1333 ईस्वी में आए थे। मैंने कल भी बताया लास्ट लेक्चर में, याद रखना, पूछा जाएगा। इनका पूरा नाम क्या था? मोहम्मद अब्दुल मोहम्मद बिन बतूता था, जो कि मैंने कल भी बताया, कई बार पूछा जाएगा इब्न बतूता का पूरा नाम क्या था, अब्दुल मोहम्मद बिन बतूता था। क्लियर? पूछा जाए अगर कि कब आए थे, 1333 ईस्वी में आए थे, किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। क्योंकि हम सांकेतिक मुद्रा की बात कर रहे हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा चलाई गई जो सांकेतिक मुद्रा थी, उसको इब्न बतूता ने दिनार कहा था। चल क्यों नहीं पाई, अब आप समझ गए होंगे। हालांकि इन्होंने साम्राज्य में धन की कमी के देखते हुए साम्राज्य विस्तार के लिए ये सब चीज चलाई थी। लोगों ने ऐसी चीजें, ऐसा पॉइंट्स लगाना भूल गए, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा पॉइंट लगाना भूल गए कि कोई नकली ना बना पाता, यानी कि नकल नहीं कर पाता। तो बहुत मात्रा में नकली बने, यानी कि इसकी नकल होने लगी, और नकल से ही लोग लगान देने लगे। तो ये चीज जो है उनकी फ्लॉप हो गई, ये जो एक सांकेतिक मुद्रा चलाने वाली बात थी, ठीक है। तो ये पूरा तथ्य है, जहां से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, इसे विशेष रूप से याद रखना, ठीक है। तो लिखिए।